हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं साइंस का क्रैश कोर्स का अगला पार्ट, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं साइंस से वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर बिना समय गए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे बता दें कि जो भी स्टूडेंट अभी तक बिहार बोर्ड के जो भी वेबसाइट पर मॉडल पेपर जारी किया गया उसका सोल्यूशन आप सभी नहीं देखे होंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक मौजूद है। आप जाके वहाँ से सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी बोर्ड स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। दोस्तों, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, तो आप यहाँ पे विद्युत मोटर का फिगर देख सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप लिखेंगे कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। आपसे बता दें कि जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है, यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने लगता है या घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है, तो इसी का ही बोध विद्युत मोटर सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है। कहा होता है कि कोई भी कुंडली में जब चुंबकीय क्षेत्र कोई भी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी करंट प्रवाहित की जाती है, तो क्या होता है कि कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, यानी एक बल अध्यारोपित बल कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। आपसे बता दें कि यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाता है तो वो घूमने लगती है। इसी को विद्युत मोटर का सिद्धांत कहा जाता है। आपसे बता दें, मेट्रिक एग्जाम में ये 5 मार्क्स से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत का वर्णन करें। तो कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि विद्युत मोटर का सिद्धांत का जो वर्णन वाला जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन मेट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा विद्युत मोटर पर, विद्युत जनित और आस्टर्ड महोदय के सिद्धांत का। तो जितने भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आपको सिद्धांत के बारे में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बोलिएगा, तो मैं ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें से आपको केवल सिद्धांत के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आप सभी तो जानते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ये सभी हरित लवक, क्लोरोफिल, ये जितने भी पदार्थ होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं, आप सभी तो जानते ही होंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो उसका बिल्कुल सही जवाब होगा, हरे पौधों को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की ज़रूरत होती है। आपसे बता दें, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की अवशोषण शरीर की सतह द्वारा करते हैं। स्थलीय पौधे जल का अवशोषण मृदा से करते हैं, यानी मिट्टी से करते हैं, जड़ द्वारा मिट्टी से करते हैं। आपसे बता दें, जल से जल का पत्तियों तक रसारोहण अथवा संवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। तो यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि क्या होता है कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि अगर प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक सामग्री, जो कच्ची सामग्री होती है, पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे, हरे पौधे को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता होती है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जल का अवशोषण शरीर की सतह द्वारा करते हैं। आपसे बता दें, स्थलीय पौधे जल का अवशोषण मृदा से जड़ द्वारा करते हैं, यानी मृदा से, यानी मिट्टी के जड़ के द्वारा करते हैं। जड़ से जल का पत्तियों तक रसारोहण होता है, यानी जड़ के द्वारा जो जल होता है यानी पानी होता है वो पत्तियों तक रिस कर चला जाता है, अथवा संवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। और जो पत्तियों में जो जल का संवहन होता है वो जाइलम ऊतक द्वारा होता है, तो आप यहाँ फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हे दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा केमिस्ट्री से लिया गया है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, ठीक है, और परमाणु जो द्रव्यमान होता है दोस्तों वो 14 होता है। तो ये आप सभी को तो याद रखना होगा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट को हम और बढ़ते हैं कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होती है, ठीक है। तो आवर्त सारणी के जो समूह में 15 के तत्व हैं, इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इनमें से कौन सा तत्व
अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों होगा, ये आपकी मीट एग्जाम में के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है तथा फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 है, तो आवर्त सारणी के समूह में 15 के तत्व हैं, इन दोनों के आवर्त सारणी इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और इनमें कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आप लिखेंगे कि नाइट्रोजन 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-5 होगा, ठीक है, 5-2-7 होता है यानी 2-5 होगा। फास्फोरस का 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-5-8 होगा, 2-5-8 या 2-8-5 आप सबसे अच्छा लिखेगा, 2-8-5 होगा। ये किसका दोस्तों, तो ये फास्फोरस का। उसके बाद में आपसे बता दें नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा क्योंकि किसी वर्ग के ऊपर नीचे जाने पर विद्युत का ऋणात्मक घटती है, ठीक है। तो एक बार फिर से इसे समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछा है कि नाइट्रोजन का 7 क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होती है, तो आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व है, तो इन दोनों तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो बिल्कुल सही जवाब लिखिएगा, नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है दोस्तों, 2-5 होता है। फास्फोरस 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-5 होता है। नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा क्योंकि किसी वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो घट जाती है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, या आपसे इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साबुनीकरण से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप लिखेंगे, साबुनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर या अभिक्रिया करके सोडियम लवण का अम्ल तथा एल्कोहल बनाता है, उसे साबुनीकरण कहा जाता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, साबुनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके सोडियम लवण का अम्ल तथा एल्कोहल बनाता है, उसे साबुनीकरण कहा जाता है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य देखने के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। आप सभी तो देखते ही होंगे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वाहन है, तो ये जो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये दर्पण जो है, ये दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन यहीं आपसे पूछा गया कि वाहन में जो पश्चिम दृश्य देखने के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण का ही क्यों प्रयोग किया जाता है। तो आप इसका बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे, उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य देखने या बगल का दृश्य देखने के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। एक उत्तल दर्पण में एक खासियत होती है कि जो भी वस्तु उसमें देखते हैं उसका सीधा प्रतिबिंब बनाता है और इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। तो दोस्तों आपसे बता दें कि क्या होता है कि वाहन के जो बगल वाले शीशा आप सभी देखते होते हैं, इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो काफ़ी विशाल यानी बहुत बड़ा होता है। आप सभी देखते होंगे कि इतना सा छोटा शीशा में बड़े बड़े गाड़ी का, जो भी गाड़ी पीछे चाहते हैं उसका भी प्रतिबिंब इसमें बना देता है। तो यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग पश्चिम दृश्य के दर्पण के रूप में वाहन में किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। आपके मेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी तो जानते होंगे कि पीतल और तांबे में अगर हम बहुत खट्टे पदार्थ जैसे दही हम अगर रखते हैं तो दोस्तों वो जहर के समान बन जाता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है तांबे के बर्तने भूल कर भी ना रखे चीज़ें बन सकता है जहर। तो आप इसका बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे, दही तथा दूसरे खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं, जितने भी दोस्तों खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें अम्ल पाए जाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर दही में जो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से बहुत सारे जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें अम्ल पाए जाते हैं। जो पीतल और तांबे के बर्तनों के साथ अभिक्रिया करके विषैले धातु यौगिक को बना सकते हैं, जो भोजन विषात्मक उत्पन्न कर सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं। बहुत ही सिंपल जवाब है दोस्तों, क्या होता है कि दही में भी अम्ल पाया जाता है और सभी खट्टे पदार्थ में भी अम्ल पाया जाता है, और जब तांबे और पीतल के बर्तन भी अगर हम रखेंगे कोई भी खट्टा पदार्थ, तांबा का बर्तन या पीतल का बर्तन, ठीक है, दही जैसे खट्टे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करेगा तो विषैले धातु या विषैले पदार्थ या विषैले यौगिक बनाएंगे, ठीक है।
जो भोजन को विषात्मकता कर देंगे, यानी भोजन को जहरीला कर देंगे, और जो मनुष्य अगर खाते हैं तो उसके शरीर या स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। दोस्तों आपसे बता दें कि अगर आपको भी हो रहा होगा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी में प्रॉब्लम, तो आप डाउटनेट के व्हाट्सएप नंबर 8400400400 पे किसी भी क्वेश्चन का फोटो खींचिए और तुरंत व्हाट्सअप कीजिए 8400400400 पे। दोस्तों आपसे बता दें यहाँ पे क्लास 6 से लेकर 8 तक मैथ के साथ साथ क्लास 10th और 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी सवालों का जवाब सिर्फ 10 सेकंड में पा सकते हो, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप और करें अपने हर डाउट की छुट्टी सिर्फ 10 सेकंड में। तो चलिए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। हे दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम में क्या दर्शाते हैं, जीवाश्म क्या है। तो दोस्तों आपसे बता दें इसका बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे कि प्राचीन कालीन जीवों के अवशेष से जो आदि काल में यानी अर्थ पर रहते थे, यानी जो आदि काल में पृथ्वी पर रहते थे, बाद में वे विलुप्त हो गए। भूपटल की चट्टानों में परीक्षित मिलते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप सभी को बता दूं कि जीवों के अवशेष से प्राप्त हुए ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक है, बहुत बहुत हज़ारों वर्ष पहले की बात है कि जब कहा होता कि पृथ्वी पर बहुत ही बड़ी तबाही आई थी, बहुत ही बड़ी भूकंप आया था, तो पूरे पृथ्वी पलट गई थी, जिसके कारण पृथ्वी पर जितने भी वस्तु थे, जीव जंतु, सभी मिट्टी के अंदर समा गए और कई सौ वर्षों के बाद वे सभी कोयला का रूप धारण कर लिए। ठीक है, तो वैसे जीवों के अवशेष जो भी प्राप्त हुए ईंधन, उसे जीवाश्म ईंधन कहा जाने लगा। तो यहाँ पर बात है कि जैव विकास प्रक्रम के विषय में जीवाश्म निम्नलिखित दर्शाते हैं। तो अब क्या क्या दर्शाते हैं, रोमन नंबर 1 में आप लिखेंगे, पृथ्वी पर आदिकाल से आधुनिक काल तक जीवन में निरंतर परिवर्तन होता रहा। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा, आधुनिक जीवों से प्राचीन कालीन जीवधारी पादप एवं प्राणी भिन्न थे। उसके बाद में रोमन नंबर 3 में आपको लिखना है कि ऐसी प्रजातियों का ज्ञात होना है जो कभी जीवित थी परंतु अब विलुप्त हो गई है। उसके बाद में रोमन नंबर 4 में लिखेंगे कि ऐसे अनेक जीवधारियों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं जिनमें से दो वर्गों या संघों के लक्षण पाए गए हैं। अवश्य बता दें इससे यह ज्ञात होता है कि ये किस प्रकार के जीवधारियों का कौन से जीवधारी विकसित हुए हैं। जैसे आकारिप्टिक के जीवाश्म के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई थी। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में सांस लेने की प्रक्रिया का वर्णन करें। दोस्तों मनुष्य में सांस लेने की प्रक्रिया का वर्णन करें, और वर्णन करने वाला क्वेश्चन तो आप सभी जानते होंगे कि ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में इसका आंसर बताने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। दोस्तों मैं मुकमर सारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VBI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।